वीडियो में बात करेंगे कनाडा के वीज़ा ट्रेंड के बारे में और नए प्रोसेसिंग टाइम के बारे में, क्योंकि कनाडा हर वीक बाद अपनी जो प्रोसेसिंग टाइम है वो चेंज करता रहता है। किन कैटेगरीज के लिए अच्छी अपडेट है, किन कैटेगरी के लिए प्रोसेसिंग टाइम सेम रहा है और किन कैटेगरीज में टाइम अभी ज़्यादा लग सकता है, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और किसी भी तरह की वीज़ा फाइलिंग में हेल्प चाहिए, अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 3 पासपोर्ट रिक्वेस्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है जी। 2 टूरिस्ट वीज़ा हमारे अप्रूव हुए हैं, एक फ्रेश एप्लीकेंट था इंडिया से, हमने दिसंबर के लास्ट वीक में उनकी लॉजमेंट की थी, दिसंबर में ही बायोमेट्रिक हुए थे और विद इन 10-12 डेज आफ्टर बायोमेट्रिक इनका रिजल्ट आ गया। दूसरी एप्लीकेशन पहले रिफ्यूज़ थी, यूके से था स्टूडेंट, उनकी एप्लीकेशन हमने की थी अक्टूबर मंथ में, तो उनका ऑलमोस्ट 3 मंथ में डिसीज़न आया है कनाडा से। बाकी यूके से थोड़ा सा टाइम लग रहा है एप्लीकेशन को, हमारे भी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है। तो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा का ट्रेंड और विस्टर वीज़ा का ट्रेंड इस समय बहुत अच्छा है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो ये राइट टाइम है, हमारा नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तीसरी पासपोर्ट रिक्वेस्ट है जी स्टूडेंट वीज़ा की, स्टूडेंट वीज़ा का सक्सेस रेट इस समय कैसा चल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट्स में वीडियो आ रही हैं कि स्टूडेंट वीज़ा की रिफ्यूज़ल बड़े नंबर्स में स्टार्ट हो गई है या स्टूडेंट वीज़ा का पॉजिटिव ट्रेंड है। देखिए जी, इस समय जो ओपिनियन है मेरा वो मिक्स से रिजल्ट आ रहे हैं, कुछ केसेस में रिफ्यूज़ल भी आ रही है और वीज़ा सक्सेस रेट भी आ रहा है। इसके पीछे मल्टीपल रीज़न है, जब कोई एप्लीकेशन बड़े नंबर्स में लॉज होती है, जैसे स्टूडेंट की दिसंबर मंथ में बहुत ज़्यादा लॉजमेंट हुई, तो उसको देखते हुए हाई कमीशन के पास नंबर ऑफ़ दी एप्लीकेशन, ऐसे में जब सप्लाई और डिमांड की गेम है, अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाए किसी चीज़ की, डिमांड कम हो, तो ऑब्वियसली आप उसका नतीजा जानते हैं। बाकी आने वाले दिनों में स्टूडेंट वीज़ा का ट्रेंड और भी अच्छा हो जाएगा। अगर मैं प्रोसेसिंग टाइम की बात करूँ विस्टर वीज़ा की, स्पेशली आफ्टर बायोमेट्रिक कितना टाइम लग रहा है, जो ओल्ड एप्लीकेशन है आने वाले दिनों में वो भी क्लियर होंगी, क्योंकि जो चीज़ मैंने पहले बोली थी कि जनवरी मंथ में ओपन वर्क परमिट की जो एप्लीकेशन है, ठीक है, उनकी प्रोसेसिंग फास्ट हो सकती है। हमारी रिसेंटली 2 पासपोर्ट रिक्वेस्ट रिसीव हुई हैं, मैं डिफरेंट सी वीडियो बना के उनमें टाइमलाइन भी आपके साथ शेयर करूँगा, जो अक्टूबर और सेप्टेम्बर की लॉजमेंट थी। तो कनाडा दूसरी अदर कैटेगरीज के ऊपर वर्क कर रहा है एज कम्पेयर टू स्टूडेंट, तो अगर आपकी एप्लीकेशन बैकलॉग का पार्ट बनी हुई है, आने वाले 2 वीक्स आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि मई इनटेक में टाइम पड़ा है, तो ऐसे में आपके रिजल्ट बड़े नंबर्स में आ सकते हैं। स्पेशली गुड न्यूज़ है जी PR कैटेगरी वालों के लिए, जिनकी एप्लीकेशन के ऊपर वर्क नहीं हो रहा था, स्पेशली जिनकी एप्लीकेशन न्यू दिल्ली में थी, जून और मई 2023 की एप्लीकेशन, तो उनकी एप्लीकेशन के ऊपर अपडेट आनी स्टार्ट हो चुकी है, किसी की एलिजिबिलिटी स्टार्ट हो चुकी है। किसी की एलिजिबिलिटी स्टार्ट होने के बाद विद इन अ वीक पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ रही है, कन्फर्मेशन ऑफ PR आ रही है, तो ये टाइम बहुत ही अच्छा है जिनकी मई की या जून से पहले की जो PR की एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है, स्पेशली फैमिली क्लास की, तो आने वाले दिनों में आपके रिजल्ट बड़े नंबर्स में डिक्लेयर होने वाले हैं, आपके लिए अच्छा टाइम है। सुपर वीज़ा के रिजल्ट पहले से ज़्यादा अच्छे आने स्टार्ट हो चुके, क्योंकि साल की स्टार्टिंग है, तो ऐसे में अगर स्टार्टिंग अच्छी होगी तो पूरा साल चीज़ें अच्छी रहती हैं, ये एक मिथ बना हुआ है लोगों में, और कई सारे फैक्टर्स में हाई कमीशन में ये चीज़ सही भी है। कनाडा ने फर्स्ट मंथ में टूरिस्ट वीज़ा का अगर मैं सक्सेस रेट की बात करूँ, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, स्टडी वीज़ा के भी कुछ हद तक अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, बट सबसे ज़्यादा जो मायूस इन समय लोग हैं वो है ओपन वर्क परमिट वाले, तो आपको भी घबराने की बात नहीं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि पेशेंस रखें, पेशेंस से बहुत कुछ कर सकते हैं आप लाइफ में, तो रिजल्ट आपके भी फाइनली आने वाले 1-2 वीक में बड़े नंबर के ऊपर स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जुलाई की कुछ एप्लीकेशन है, सितंबर वाले भी बहुत मैसेज करते हैं, अगस्त वाले भी, कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, तो डोंट वरी गाइस, जैसे PR की स्पेशली फैमिली क्लास की एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी है, वैसे आप भी उसी कैटेगरी में आते हो, जैसे आपने आपके पार्टनर ने चाहे आपको टेम्परेरी बुलाना है, बट आप भी किसी तरह के से फैमिली का पार्ट हो, राइट, तो आपके रिजल्ट भी बड़े नंबर्स में आने वाले दिनों में आउट होंगे। इस समय अगर मैं वर्क परमिट की प्रोसेसिंग टाइम की बात करूँ तो लेटेस्ट वो 13 वीक्स है, तो 13 वीक वर्क परमिट के डिसीजन को इस समय लग रहे हैं। दूसरी चीज़ है जी विस्टर वीज़ा का 32 डेज है,
सुपर वीज़ा का 58 डेज है प्रोसेसिंग टाइम। और क्लोज वर्क परमिट वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि जी हमारा रिजल्ट कब आएगा। देखिए, अगर आपका मोर देन 6 मंथ हो गया तो आप वेब इंक्वायरी रेज कर सकते हैं अपने रिजल्ट को लेकर, तब कोई ना कोई अपडेट आपको आ जाएगी। कब तक आप एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन ना अटैच करें, जब तक आपको हाई कमीशन की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं आती तब तक आप इस चीज़ को अवॉइड करें। ओवरऑल वीज़ा ट्रेंड की बात करूँ तो वीज़ा ट्रेंड अच्छा चल रहा है। टूरिस्ट वीज़ा का, विजिटर वीज़ा का, फैमिली क्लास की अपडेट आनी स्टार्ट हो चुकी है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1-2 वीक में स्पेशली जो ओपन वर्क परमिट के केसेस हैं उनके रिजल्ट भी स्टार्ट हो जाए। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन। थैंक यू।